नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी रिचुअल्स में आपका स्वागत है। अष्ट विनायक भगवान गणेश हिंदुओं में सफलता प्राप्ति और सीखने के देवता माने जाते हैं। ये आठ गणेश रूप महाराष्ट्र के पुणे नगर के आसपास स्थित है। ये सभी आकृतियों में एक दूसरे से भिन्न है तथा उनकी उत्पत्ति और स्थापना हेतु भी अलग अलग कथाएं हैं। ऐसी मान्यता है कि सर्वप्रथम मयूरेश्वर के दर्शन करने चाहिए और उसके पश्चात सिद्ध टेक पाली महद थिरूर लैंड्री ओझर तथा महागणपति के दर्शन करते हुए पुनः मुरगांव वापस आना चाहिए। इन सभी गणेशों की मूर्तियां स्वयंभू हैं तथा इनका निर्माण प्रकृति ने ही किया है। इनका वर्णन इस प्रकार है। मयूरेश्वर मुरगांव, ये काले पत्थर का बना सुंदर मंदिर है जो ग्राम के मध्य में अवस्थित है। इसके चारों ओर लगभग 50 फीट ऊंची चार दीवारी है और चारों कोने पर मीनार नुमा आकृतियां हैं जो इसे मस्जिद की आकृति प्रदान करती हैं। ऐसा जानबूझकर किया गया क्योंकि इसे मुगलों के आक्रमण से बचाना था। मंदिर के द्वार पर एक नंदी की प्रतिमा है जो अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली है क्योंकि नंदी हमेशा शिव मंदिर के समक्ष ही विराजमान होते हैं। ऐसी कथा है कि कुछ लोग इस मूर्ति को शिव मंदिर ले जा रहे थे पर रास्ते में वाहन टूटने से नंदी यहीं विराजमान हो गए और बाद में यहां से हटाने पर भी नहीं हटाए जा सके। गणेश की मूर्ति एक मोर पर बैठी है और इनकी सूंड बाईं ओर इस प्रकार मुड़ी है कि वह एक कोबरा के फन के समान दिखलाई पड़ती है। उसके पास ही सिद्धि एवं बुद्धि की मूर्तियां भी स्थापित है। गणेश के चरणों पर मूषक भी विराजमान है। यह मूर्ति वास्तव में मूल मूर्ति नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इसे ब्रह्मा जी ने दो बार बनाया क्योंकि असुर सिंदूरासन इसे नष्ट कर देता था। मूल मूर्ति जो छोटी है वह रेत लोहा एवं हीरों से निर्मित है। उसे एक तांबे की परत द्वारा ढककर वर्तमान मूर्ति के नीचे दबा दिया गया है। यह मंदिर पुणे से 55 किलोमीटर दूर करहा नदी के किनारे ग्राम मोरगांव में स्थित है। इस ग्राम की आकृति मोर के समान ही है अतः इसे मोरगांव नाम दिया गया है। दूसरा, सिद्धि विनायक सिद्ध टेक श्रीगोंडा। भगवान विष्णु ने असुर मधु एवं कैटव का संहार करके यह मूर्ति स्थापित की। केवल इस मूर्ति का सुंड ही दाईं ओर है, अन्य सभी गणेशों के सुंड बाईं ओर है। ऐसा माना जाता है कि दो संत मौर्य गोसावी और श्री नारायण महाराज जो खेड़ गांव के थे उन्होंने भी यहां आत्मज्ञान प्राप्त किया। मंदिर उत्तर की ओर एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। उसके अंदर का मंडप 15 फीट ऊंचा एवं 10 फीट चौड़ा है। इसकी मूर्ति 3 फीट ऊंची और 2.5 फीट चौड़ी है परंतु इनका पेट कम चौड़ा है। रिद्धि व सिद्धि की मूर्तियां इनकी एक जांग पर स्थित है। इनकी परिक्रमा का बड़ा महत्व है जो मात्र 30 मिनट में पूर्ण हो जाती है। मंदिर पुणे शोलापुर मार्ग पर 48 किलोमीटर दूर श्री गोंडा नगर में भीमा नदी के किनारे स्थित है। यह दौंड स्टेशन से मात्र 18 किलोमीटर दूर है। तीसरा, बालेश्वर पाली। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी ने बालक भक्त बाला को ग्रामवासियों से बचाया था जो केवल उसकी गणेश की ही भक्ति करने से रुष्ट थे। मूल मूर्ति लकड़ी की थी जिसे बाद में पत्थर के रूप में बनवाया गया। मंदिर का मुख पूर्व की ओर है और इसमें दो मंडप है। अंदर वाले मंडप में मूर्ति स्थापित है और साथ ही रिद्धि सिद्धि एवं मूषक राज भी विराजमान है। दूसरा मंडप 8 स्तंभों का है जिस पर आकर्षक कलाकारी की गई है तथा उसे एक सुंदर वृक्ष का रूप दिया गया है। यह मंडप 12 फीट लंबा है जबकि अंदर वाला 15 फीट लंबा है। मंडप में मूर्ति इस प्रकार अवस्थित है कि शरद ऋतु के बाद सूरज की प्रथम किरण सीधी मूर्ति पर ही पड़ती है। मंदिर पत्थरों एवं लोहे के जोड़ों से मिलकर मजबूत बनाया गया है। मूर्ति की आंखों और नाभि पर हीरे लगे हुए हैं और सुंड बाईं ओर है। मूर्ति पर्वत रूप में बनी है और यहाँ का प्रसाद बेसन के मोदक ही होते हैं। मंदिर के बाहर दो सरोवर भी हैं जिसमें एक गणेश पूजा हेतु आरक्षित है। इसी प्रकार के निकट एक डुंडी विनायक का मंदिर भी है जिसमें मूर्ति का मुख पश्चिम की ओर है जो एक विशेष रूप है। ऐसा माना जाता है कि बालक भक्त बाला के पिताश्री ने इस मूर्ति को बाहर फेंक दिया था। ऐसा भी माना जाता है कि डुंडी जो बाला का बड़ा भाई था उसके नाम पर इसे डुंडी विनायक कहा जाता है। मंदिर पाली नगर में स्थित है जो पुणे मुंबई मार्ग के मध्य अवस्थित है। कारजात रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी मात्र 30 किलोमीटर है। चौथा, वरद विनायक महड। भक्त गुंद समझ जब माता के द्वारा शापित हुए तो उन्होंने गणेश की घोर तपस्या की और इस मंदिर का निर्माण करवाया।
जिसे वरद विनायक मंदिर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी स्वयं यहाँ निवास करते हैं, जो मानव के सफलतादायक प्रभु हैं। यह मूर्ति पास की एक झील में डूबी हुई थी, अतः इसकी आकृति थोड़ी जीर्ण है। कुछ समय पश्चात भक्तों ने इस मंदिर का विस्तार करवाया। मूर्ति की दिशा पूर्व की है तथा सूंड बाई ओर घूमी है। इसके पास एक दीपक हमेशा जलता रहता है और आज भी जल रहा है। मंदिर के चारों ओर चार हाथियों की भव्य मूर्तियां स्थापित हैं। अंदर का मंडप 8 फीट का है, जबकि इसका शिखर 25 फीट ऊंचा है और इसके ऊपर का भाग सोने का बना है। यह अकेला ऐसा मंदिर है जिसमें भक्त गणेश जी को स्वयं प्रसाद पुष्प आदि समर्पित कर सकते हैं। पुणे मुंबई हाईवे पर खापोली स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर है और खापोली पुणे से 80 किलोमीटर दूर है। यह मुंबई के पास तथा करजात रेलवे स्टेशन से यह 24 किलोमीटर दूर है। 5वां, चिंतामणि थेरूर। ऐसी कथा है कि गुना नाम के एक लालची व्यक्ति ने संत कपिल हेतु चिंतामणि रत्न इसी स्थान पर प्राप्त किया था। हालांकि बाद में संत कपिल जी ने वह रत्न माला के रूप में गणेश जी को पहना दिया, इसी कारण इसका नाम चिंतामणि पड़ा। इस स्थान पर एक कदम का वृक्ष था, अतः थेरूर को पुराने समय में कदम नगर भी कहा जाता है। मंदिर के पीछे एक झील है, उसे कदम्बा तीर्थ भी कहा जाता है। मंदिर का द्वार उत्तर की ओर है। इसका बाहरी मंडप लकड़ी का बना है, जो लगभग 100 वर्ष पुराना होगा। इसके पश्चात एक राजा ने लकड़ी का एक दूसरी बाही मंडप निर्मित कराया। मूर्ति का सूंड बाई ओर है और गणेश जी की आंखों में हीरे लगे हैं। मूर्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर है। यह पुणे से 22 किलोमीटर दूर है, अतः यह पुणे के पास है। ग्राम थेरूर में 3 नदियां मूला, मूथा तथा भीमा प्रभावित होती हैं। 6वां, गिरिजात्मज लियोनरी। ऐसी कथा है कि पार्वती जी ने गणेश के जन्म हेतु यह स्थान चुना था। पार्वती गिरिजा है तो उनका पुत्र गणेश आत्मज कहलाया, अतः मंदिर का नाम गिरिताजमज पड़ा। यह एक गुफा में स्थित है और मंदिर एक पत्थर की बनी है। इस पहाड़ी पर चढ़ने हेतु 307 सीढ़ियां हैं। मंदिर का मंडप 53 फीट लंबा है और 51 फीट चौड़ा तथा 7 फीट ऊंचा है। इसमें एक भी स्तंभ नहीं है। मूर्ति का मुख उत्तर की ओर है और सूंड बाईं ओर है। मंदिर दक्षिण मुखी है। यह मंदिर अधिक सुंदर आकृति की नहीं है। मंदिर में दिन भर भरपूर सूर्य का उजाला रहता है। पुणे से नारायण गांव 94 किलोमीटर है और यहाँ से 12 किलोमीटर पर अवस्थित है यह मंदिर। निकट का रेलवे स्टेशन तेलेगांव है। जुनार से यह मंदिर 5 किलोमीटर दूर पर है। विघ्नहर ओझर। प्राचीन कथानुसार विघ्नहर नाम का दानव इंद्र ने उत्पन्न किया था, क्योंकि उसके द्वारा राजा अभिनंदन की साधना को नष्ट करवाना था। जब दानव साधना को नष्ट करने गया और भक्तों ने गणेश जी से रक्षा हेतु गुहार की, तो उन्होंने उसे हरा दिया। अंत में दानव ने उनसे क्षमा और दया की भीख मांगी। गणेश जी ने उसकी पुकार सुनी और कहा कि जहाँ साधना पूजा हो रही है वहाँ जाए। इस प्रकार साधना सफल हुई और इस मंदिर को विघ्नहर विनायक मंदिर कहा गया। मंदिर पूर्व मुखी है और पत्थर की दीवारों से यह चारों ओर से घिरा हुआ है। मंदिर का मुख्य मंडप 20 फीट लंबा और अंदर का 10 फीट लंबा है। मूर्ति भी पूर्व मुखी है तथा सूंड बाई ओर है तथा आंखों में लाल रंग के रूबी नाम के रत्न लगे हैं। मस्तक पर हीरे लगे हैं और नाभि पर भी कुछ अन्य रत्न लगे हैं। रिद्धि सिद्धि की मूर्तियां गणेश के दोनों ओर स्थापित हैं। चरण पर मूषक महाराज भी हैं। मंदिर का शिखर सोने का बना है। मंदिर पुणे नासिक हाईवे पर कुकाड़ी नदी के किनारे स्थित है। मंदिर से ओझर की दूरी 182 किलोमीटर है। 8वां, महागणपति रंजनगांव। ऐसी कथा है कि शिव ने दानव त्रिपुरासुर से युद्ध करने जाने से पहले गणेश जी की पूजा अर्चना की थी। यह मंदिर शिव के द्वारा ही निर्मित माना गया है। इस नगर का प्राचीन नाम मणिपुर था, जबकि वर्तमान में इसे रंजनगांव के नाम से जाना जाता है। मूर्ति पूर्व मुखी है, जबकि सूंड बाईं ओर है। ऐसा कहा जाता है कि मूल मूर्ति तहखाने में छिपी है, जिसमें 10 सूंड और 20 भुजाएं हैं। इसे महोत्कट कहा गया है। मंदिर इस प्रकार बना है कि विशेष ऋतु में सूर्य की किरणें सीधी मूर्ति पर पड़ती हैं। किसी राजा ने मूर्ति के चारों ओर एक मंडप का निर्माण कराया था। यह मंदिर पुणे से 50 किलोमीटर दूर पुणे अहमदनगर हाईवे के मध्य ग्राम रंजन गांव में स्थित है। इसी प्रकार की विशेष जानकारियों के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंदू रिचुअल्स। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर करें जो कि बिल्कुल निःशुल्क है।